नमस्कार, मैं न्यूज अब तक के स्टूडियो से वरुण शर्मा बात करते हैं। इस समय चर्चा में जो सबसे ज्यादा है सतना जिले में, वो है चित्रकूट विधानसभा के उपचुनाव, जो कांग्रेस और बीजेपी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि उनके सामने 2018 के लिए एक बड़ा मिसाल कायम दोनों पार्टी करना चाहती है। यहाँ पर बात करें बीजेपी की, तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ क्षेत्र में उतर गए हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चित्रकूट क्षेत्र एक तरह से अघोषित राजधानी बन गया है, क्योंकि जब मुखिया यहीं पर है और प्रदेश के संगठन के प्रमुख नंद कुमार सिंह चौहान, वीडी शर्मा, मंत्री संजय पाठक, मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री रामपाल सिंह, इसके अलावा अन्य कई मंत्री भी इस क्षेत्र में आ जा रहे हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं ये समझ में आने लगा है कि बीजेपी कितनी गंभीरता से इस चुनाव को ले रही है और लगातार लगी हुई है। जिले के नेताओं की बात करें तो सांसद गणेश सिंह सहित पूरे विधायक और यहां के पूरे पदाधिकारी उस क्षेत्र में लगे हुए हैं। आरएसएस भी अपने तरीके से क्षेत्र में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस से बात करें तो मोर्चा अजय सिंह राहुल ने संभाल रखा है, जो इस समय नेता प्रतिपक्ष है। सबसे अधिक नाक का सवाल अजय सिंह राहुल का है, क्योंकि प्रेम सिंह उनके गुट के कहे जाते थे और यहां से कई बार विधायक रह चुके हैं और उनकी एक जमीनी पकड़ थी। तो अजय सिंह राहुल चूंकि यहां सांसदी का चुनाव 2014 में लड़ चुके हैं कांग्रेस से और बहुत ही कम अंतर से हारे थे, इस वजह से वो कहीं न कहीं अपनी साख बचाने के साथ साथ 2018 को भी कांग्रेस में को संजीवनी दिखाना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से भी पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ सिंधिया सहित कांग्रेस सरकार में रहे कई मंत्री यहां पर आए हुए हैं और एक बड़ा आदिवासी चेहरा भी कांतिलाल भूरिया के रूप में कांग्रेस ने चित्रकूट क्षेत्र में उतार दिया है। अब बात करें कि यहां पर शिवराज सिंह के सियासी साथ की, जहां तुर्रा गांव में उन्होंने आदिवासी के यहां रात रुक कर भोजन किया, इसका एक बड़ा कारण ये मानते हैं सियासी जानकार, क्योंकि यहां पर सबसे अधिक जो निर्णायक वोटर होता था और जिसके वोट पे कांग्रेस जीतती थी, वो निचले तबके का आदिवासी वोट है, जो निम्न तबके का वोट है उन वोटों के वोट बेस पर ही यहाँ पर कांग्रेस को लीड मिलती थी। इसलिए भाजपा का भी ये सियासी मंथन है कि निचले तबके के वोटों में सेंध लगाई जाए और उसको भाजपा में डाइवर्ट किया जाए ताकि अधिक से अधिक वोट मिल सके। बात करें तुर्रा गांव की, तो वो कहीं ना कहीं सियासी हलचल लेकर आया, क्योंकि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान वहां रात्रि में विश्राम करने के साथ साथ भोजन करने वाले थे। इसको लेकर कांग्रेस खेमे में खलबली मची और उन्होंने अपना बड़ा आदिवासी चेहरा, जो झाबुआ से अब सांसद भी हो गए हैं और पहले कांग्रेस में केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, कांतिलाल भूरिया को लगा दिया। जब न्यूज अब तक की टीम वहां पहुंची तो देखा कि कांतिलाल भूरिया शाम से ही तुर्रा उसके आसपास के गांवों में सक्रिय थे, सभाएं कर रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे। न्यूज अब तक की टीम सहित कई पत्रकारों ने उनसे चर्चा की, तो उनके चर्चा के दौरान ये समझ में आया कि आदिवासियों का और निचले तबके का वोट भाजपा में डाइवर्ट न होने पाए, इसके लिए कांतिलाल भूरिया जोर शोर से वहां लगे हुए थे। हालांकि कांग्रेस में अन्य कई आदिवासी नेता भी हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी से भी आदिवासी तबके से माने तो राज्यसभा से सांसद संपतिया उइके को भी क्षेत्र में लगाया गया है। तो कुल मिलाकर निचले तबके के वोटों को डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से एक दूसरे का जोर लगाए हुए हैं। अब हम बात करें सियासी समीकरणों की, तो बड़ी बात सामने ये आती है, चित्रकूट इस अलग अलग जाति वर्ग में अलग अलग तरीके से कई जाति आधार पे भी ये सियासी पार्टियां लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा दो लोगों के बीच, जिनको बीजेपी ने बहुत पहले से लगा दिया था, वो संगठन की बात छोड़ दें, अतुल राय की और आशुतोष तिवारी की और वीडी शर्मा की, तो शिवराज सरकार के दो संकट मोचन राजेंद्र शुक्ला और संजय पाठक ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। जिस तरीके से राजेंद्र शुक्ला और संजय पाठक ने लगातार यहाँ मोर्चा लिया हुआ है, उसको मानकर ये सियासी जानकार बताते हैं कि पूर्व के चुनाव शहडोल लोकसभा, बांधवगढ़ विधानसभा और मैहर विधानसभा के जो चुनाव हुए, उसमें इन दोनों को मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी और इन जगह पे बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो निश्चित रूप से
ये दोनों मंत्री यहाँ पर लगातार सक्रिय है और पूरे क्षेत्र में है, तो कहीं कहीं ये भी मान के चल रहे हैं लोग कि संजय पाठक और राजेंद्र शुक्ला की सक्रियता पुराने अनुभव के आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इन पर फिर से एक बार विश्वास जताया है। लेकिन बीजेपी ये चुनाव को पूरे गंभीरता से लड़ रही है और पूरे क्षेत्र में बनी हुई है। वहीं कांग्रेस भी जो है कम नजर नहीं आती है, वो भी साख के साथ बीजेपी सरकार के जो किए गए वायदे पूरे नहीं हुए उसके आधार पर वहां जा रही है और मतदाताओं में लगी हुई है। लेकिन ये बोल पाना अभी ठीक नहीं होगा कि बाजी किसके हाथ लगती है, ये तो 12 नवंबर को ही क्लियर होगा किसकी नाक कटेगी और किसकी नाक बचेगी। लेकिन फिलहाल अभी पूरा दारोमदार जनता पर है, हालांकि पार्टियां अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, लेकिन 12 नवंबर को ही पूरी तरह सब कुछ कंफर्म होगा और 2018 के लिए जो पार्टी जीतेगी वो दमखम के साथ फिर मैदान में आएगी। ये रही न्यूज अब तक की विशेष रिपोर्ट। मैं न्यूज अब तक से वरुण शर्मा।